ready. Hi, myself Vishu Tanda. इधर देख ले दादी इधर मर के नहीं था एक सेकंड प्लीज सॉरी वो तो खिलौने की तरह था हमारे घर में छोटा बच्चा गगन की दादी मैं अपने बेटे की क्या दादी को बता तो आप गगन के बारे में बताएं थोड़ा पहले भी गगन की शादी है आज आपको कन्विंस करने के लिए या मोनिका के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए तो मैंने तो काफ़ी लगा होगा उसमें काफ़ी फनी इंसिडेंट्स भी आए होंगे काफ़ी सीरियस वाले मैटर्स भी आए होंगे अभी अभी मेरी फ्रेंड्स बनी मुझसे कह रही मना कहूँ आज तेरा साथ होने जा रहा तेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है बहुत खुश है अराउंड 8 to 10 ईयर्स बिफोर सत्संग में हम नॉर्मल सेवा में ही जाते हैं बचपन से जा रहे हैं तो वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप हुई नॉर्मल फ्रेंड्स थे हम बात होती रहती थी टाइम के साथ साथ जैसे बातें बढ़ती हैं अपने आप ही अटैचमेंट भी होने लगता है इसी तरह से स्टार्टअप हुआ 4 to 5 ईयर्स बिफोर ऐसा लगा कि हम आगे अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं और एक बॉन्डिंग में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लाइफ टाइम उस रोल को प्ले कर सकते हैं अपनी लाइफ में अच्छे से लेकिन लास्ट ईयर जब फैमिली मेम्बर्स की परमिशन मिल गई एक बार फाइनलाइज सब कुछ फाइनल हो गया तो उसके बाद हम फर्स्ट टाइम वैलेंटाइन डे पे मिले दिल्ली गए नोएडा गए घूमे अपना एम्यूजमेंट पार्क में खूब इन्जॉय किया फर्स्ट टाइम हमें लगा कि हमने लाइफ का अपना स्टार्टअप किया है अभी इससे पहले तो बस टेंशन ही रहती रहती थी होगा नहीं होगा हाँ लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया आसमानी उड़ दिया हिलवे ओ तेरा केड़ी कुड़ी उते दिलवे आसमानी उड़ दिया हिलवे ओ तेरा केड़ी कुड़ी उते दिलवे लठे दी चादर उते सलेटी रंग माया आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया मेरी फैमिली में मेरे चाचा हैं और मेरी 3 बुआ हैं टोटल ये 5 भाई बहन हैं इंक्लूडिंग माय फादर ये 5 में इतनी ज़्यादा यूनिटी है कि आज के टाइम में किसी के पास देखने को नहीं मिलेगी आपको तेरी माँ करें दिया इश्क वे लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया मोनिका में सबसे बेस्ट पार्ट जो है उसके लाइफ में वो ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे अटैच्ड है उसको जो प्रायोरिटी पे है सिर्फ मैं ही उसकी प्रायोरिटी पे रहता हूँ वो अपनी लाइफ में बहुत सिंपल और बहुत सुपर है ओ तेरी मां ने चाड़े आए साग वे ओ तेरी मां ने चाड़े आए साग वे ओ असी मंगे आते मिले आ जवाब वे लठे दी चादर उते सलेटी रंग माया हमारी फ्रेंडशिप हुई थी अराउंड 8 to 10 ईयर्स बैक मैं भी 10th में था तो हम फ्रेंड्स बने थे फ्रेंडशिप हमारी थोड़ा सा सत्संग में जाते हैं तो वहाँ से जानती जानती वहाँ पर इन्होंने मुझे देखा स्माइल पास करी और वहाँ रेत पे उन्होंने नंबर लिखा कि मुझे कॉल करना तो मैंने उनको कॉल नहीं किया 1 year 2 year तो मैं भूल गई उनको फिर कॉल करा तो उन्होंने मुझे बताया आपने साइड में हार्ट बना हुआ था उसमें देखा आपने क्या लिखा था मैंने कहा हाँ आपका नाम लिखा था पूरा नाम लिखा था कहते नहीं मेरा पूरा नाम नहीं लिखा था आपका और मेरा नाम लिखा था ये नाम उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि ये नाम जो लिखा है हार्ट पे ये ज़रूर हमारी मतलब हमारी शादी के कार्ड पे नाम ज़रूर होगा I am also feeling very excited.
भी है मन में, अलग सा ही डर लग रहा है, सब हो जाए बस अच्छे से, कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी बहुत एक्साइटमेंट भी है कि दोनों फाइनली एंड इतने टाइम के बाद एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं। मेरे को ये था कि किसी भी तरह मुझे अपना बिजनेस करना है, अपने आप को स्टैंड करना है, उसके बाद ही हम आगे अपना रिलेशन कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पेपर पे लिख के वो भेजते रहे कि उसको दे आओ, लेकिन वो खुद कभी हम लोग की बात ही नहीं होती थी, फोन ही नहीं था, फाउंडेशन थी, काफी फाउंडेशन थी, नहीं जा पाते, लेकिन तब भी इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मेरे घर में मेरे पापा को आकर उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं, मेरी बस मेरे साथ ही, मेरे को उसका साथ चाहिए। मेरी मम्मी को, पापा को, अपने मम्मी पापा को तक इन्होंने काफ़ी वो किया, चक्कर लगाए वैसे हिंदी में गए तो बहुत पापड़ बेले कि बच्चा आजकल ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ थोड़ी देर को देख के उसके अंदर एक शारीरिक एक वो जैसे आदमी को एक एज के अंदर वो पड़ता है कि उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, उसके अंदर वास्तविकता एक दिन उस चीज से अटैचमेंट नहीं है तो वो आगे जाके दिक्कत देती है। मम्मी पापा बनाने के लिए तो कोशिश तो खूब करी थी,
तब माने नहीं बाद में उनको जब लगा कि फैमिली अच्छी है तो करना चाहिए। पापा ने मुझे ये बताया ही नहीं कि वो ये घर देखने गए थे। पापा ने कहा तो हम दिल्ली में कोई दूसरा घर देखने जा रहे हैं। बस फिर इनका कॉल आया कि आज तो घर पर आए हैं पापा मम्मी, और बस फिर वैसे ही मेरे को पता चल गया। फिर पापा आए, पापा ने बोला कि हम लोग पक्का करके आए हैं, अब तो खुश हो जा। तो मैं बहुत खुश थी, इन्होंने फ़ोन किया, बधाई हो हम साथ हो गए। कुछ भी डिसीजन लेता हूँ अपनी तरफ से भी, कुछ भी रहता है तो हमेशा सपोर्ट में रहती हैं। उनको ये लगता हो कि ये गलत है, लेकिन वो सपोर्ट करती हैं, बाद में समझा देती हैं कि नहीं ये गलत है। उनका मेरे लिए बहुत प्यार है, वो मुझे खींचता है। मैं इतना लाइक नहीं करती थी पहले उनको, लेकिन उनके प्यार ने इतना मजबूर कर दिया कि हाँ मैं उन्हीं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचूं, उन्हीं से लव करूं, कुछ और नहीं सोचूं। When I used to come to my place, so I found many gifts in the locker. Then I used to open the locker, so I just can recognize the things which he used to say, don't open my locker. So I when he used to leave the home, I used to open the locker and then find more many things which I recognize was given by Mona only. Starting mein ko follow karte the usse, friends ka pura support rehta tha, Ashish aur Rukka. Jahan mile मुझे बात करनी है, जिस फ्रेंड को देखा मोना का नंबर चाहिए, मुझे बात करनी है। मूवीज में आपने देखा होगा कि लड़ जाऊंगा मर जाऊंगा, या तूने मेरी तो जहर खा के मर जाऊंगा, ऐसा ऐसे करके बहुत सी एक्टिविटीज करी। कई महीनों तो कोशिश करता रहा कि मोनिका उसे पहले कॉल करे, तो कई महीनों बाद फिर मोनिका ने उसे कॉल किया। तो इस तरीके से बहुत परसिस्टेंट था वो कि हाँ भी नहीं, मोनिका इज द गर्ल दैट ही वांट्स टू मैरी। Yeah.
यही विशेष रहेंगी मोना एंड गगन के लिए, बेस्ट कपल बने रहे और आने वाले फ्यूचर में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट एंड एक दूसरे को बहुत प्यार करें, आशीर्वाद देंगे कि जुग जुगी हैं अपने खुश रहें। आई वांट देम टू डेवलप अ वेरी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग एंड बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग दे मस्ट हैव अ लास्टिंग रिलेशन। मोनिका इज लीविंग हर फैमिली एंड कमिंग विद हिम, सो इट इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू मेक हर हैप्पी, सो दे हैव टू कॉम्प्लीमेंट एंड बैलेंस ईच अदर। और जल्दी हमें चाचा की इज्जत करें और अपने सबसे प्यार पाएं और इज्जत भी पाएं। Their happiness, their love, their understanding should not be there. उसको उसे खूब खुश रखना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में अब उसकी मोनिका होनी चाहिए। They have to, you know, fulfill the one block which is missing in each other. Best couple बने रहे और एक लोगों के लिए example बने कि love marriage हमेशा success ही रहती है। मोनिका जी, promise करना चाहूँगा that I will always stand with her in all her problems. मेरे रहने में, खाने में, पीने में, हर जगह वो मुझे कंप्लीट करते हैं। मैं चाहती हूँ हम जहाँ पर भी रहें साथ रहें, हमेशा साथ रहें। तो हर खुशी में, हर प्रॉब्लम में हम उसके साथ रहेंगे। उसको कोई भी ऐसा कोई फील नहीं आने देंगे कि वो अकेले है। गगन के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आई कांट लिव विदाउट गगन एंड आई लव यू फॉर एवर।